रही जमीला, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रंगों की वर्षा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी घटाएं है, बदली हुई सी अब सारी। हाँ देखिए, अगर आप ये गाना बाथरूम में गाते ना तो आप एक बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर बन सकते हैं। हेलो जी, माय नेम इज आकांक्षा शर्मा एंड वेलकम टू आकांक्षा शर्मा व्लॉग्स। और ये मेरे पति देव, द अमेजिंग कॉमेडियन रदर चौहान ने बताया, एक कमेंट लिखा था, शी इज मैरिड टू द लेजेंडरी अमेजिंग कॉमेडियन रदर चौहान, मेरा लेजेंडरी पति। और मुझे लग रहा है कि पता नहीं मुझे कैसा फील हो रहा है, मुझे एक क्लासिकल सिंगर जैसा फील हो रहा है, दमा गमा, मुझे आता नहीं है, आई एम सॉरी अगर मैंने गलत किया तो मैं कॉन्फर्म करती हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं इंडियन आइडल के ऑडिशन के लिए जा रही हूँ। मेरे पति, मैं अनु मलिक हूँ, एक बार चाय के प्याले हो। आग तो भगवान जी ने सूरज के थ्रू लगा रखी थी, लेकिन आज थोड़ा मौसम बेईमानी है, बड़ा थोड़ा बेटर है, आई एम हैप्पी विद द मौसम। और मुझे मतलब वही ऐसा वही कंटेस्टेंट जैसा ही फील हो रहा है कि यू नो मेरे पति बहुत सपोर्टिव है। और घर गृहस्थी में तो मैं भूल ही गई थी कि मेरा पैशन क्या है। सर मैं गाना गाऊँ? अनु मलिक सर क्या मैं गाना गाऊँ? कोई जमीला, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रंगों की वर्षा है, खुशबू की आंधी है, बहकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, बहकी हुई सी अब सारी घटाएं है, बदली हुई सी अब सारी। देखिए, अगर आप ये गाना बाथरूम में गाते ना तो आप एक बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर बन सकते हैं। आपकी आवाज प्लेबैक के लिए नहीं है, साइड के लिए नहीं है, आपकी जो आवाज है वो बिल्कुल बाथरूम सिंगर के लिए है। अगर आप ये करते रहेंगे तो बहुत अच्छा मिलेगा आपको। मैंने अभी बोला है कि जहाँ हमें जाना है वो डेस्टिनेशन रहेगी पीछे, इनका कहना है नहीं, देखते हैं कौन जीतता है। रुक्मणी देवी, रुक्मणी गूगल मैप में क्या क्या हुआ, आज तो म्यूजिकली मूड है, आज तो मजा आएगा। बोल रहा है ना पीछे जाने को, बट ये हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बताओ, वाज आई राइट? या वाज आई राइट? एम आई राइट? वाज आई राइट? वो भी सही है। यू आर एट लेफ्ट, नॉट राइट। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, आ गए हम कहां ए मेरे साजना, इन बहारों के दल के काली खेल गई। सलमान खान के ऊपर एक तो आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ा, तो किस बात की है लड़ाई। कितना फील ले रहे हो। अरे यार, उसके उनके वो नोशन में मजा था ना। ओके जी, वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन और हमें फिलहाल एक पार्किंग स्पॉट भी मिल गया है। इनके शब्दों में ये है कि हम चाहे कितनी भी जल्दी पहुंच जाएं, कहीं भी पहुंच जाएं, पर अगर पार्किंग ना मिले तो सब बेस्ट हो जाता है, बेस्ट। मतलब गूगल मैप वाले अगर ये एक ऐड करते हैं कि पार्किंग कहाँ अवेलेबल होने वाली है, एक अलग से मैप होना चाहिए। हाँ। एक पार्किंग मैप। अगर कोई स्टार्टअप करने वाला बंदा सुन रहा है बात, ये बहुत अच्छा आइडिया। यस, ये देखना क्या हुआ, एकदम बदमाश है ये, बदमाश है ये। तो हम यहाँ पर आए हैं आई हॉस्पिटल, कुछ टेस्ट ना पापा के पहले नहीं हो पाए थे क्योंकि तब मशीन खराब थी उनकी, तो हम वो टेस्ट कराएंगे आज। भाई अंदर हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़, और कहते हैं मतलब सिर्फ पेशेंट्स ही इतने हो गए हैं, तो पेशेंट्स के साथ जो आए हैं, पेशेंट की जो साथ आया उनको पेशेंट रखनी पड़ेगी। हाँ, मतलब हम ऐसे बाहर इसलिए खड़े हो गए क्योंकि अंदर बहुत लोग हैं, और मतलब ताकि पापा जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को दिखाने आए हैं, उनको थोड़े एक सेफ डिस्टेंस मिले। और कुछ हो नहीं रहा, वही नहीं होता कि जो पहले मेट्रो में होता था कि अगर कोई एजेड इंसान आपके सामने खड़ा है और आप बैठे हो तो अजीब लगता है, तो आप उठ के उन्हें सीट दे देते हो, तो अभी वहाँ पर वही हो रहा है। मैं तो खैर बैठी नहीं, मैंने कहा यार बैठना भी क्यों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी सीट चाहिए। जो पता है आप लोग बोलोगे आपने अपना मास्क क्यों उतारा, क्या हो गया, यहाँ पे कोई भी नहीं है फिलहाल मेरे और इस प्यारी सी बर्ड के और मेरे पति के, मुझे थोड़ी सी एक शांति चाहिए। ओके, लोग आ रहे हैं,
ये देखो ऐसे करते हैं, इसको यहाँ लगाते हैं और ये ऐसे होता है, तो ये बन गया सस्ता क्रिश बैटमैन। अच्छा बैटमैन, ओके। आप ये कर सकते हो ये? हमें इंडियन हीरो की बात करेंगे, दूसरे के चेहरे पे नहीं होता ये, मैं चश्मा लगा हुआ ना इसलिए होता। हेलो जी, हम आए हैं आई हॉस्पिटल, एक बहुत ही प्यारी डॉक्टर हैं, डॉक्टर चंदा जी, है ना। जैसे पापा मुझे शो ऑफ करते रहते हैं, इन्होंने मुझे शो ऑफ किया है। ये हमारे सेंटर मैनेजर है और अब ना हम इनको बताएंगे कि हम कौन है। हाय सुंदरी, तुम्हारे नाम क्या है? ओह माय गॉड। वैसे यहाँ पे वीडियो टेपिंग अलाउड नहीं है, ये बस एक बहुत प्यारा मोमेंट था, अब मैं बंद कर देती हूँ, अब पर्सनल बात कर। तो अंदर क्या हुआ पता है? पापा ने किया सबसे इंट्रोड्यूस, ये शिनचैन डोरेमोन और आपकी कॉमेडी शॉप है। तुम्हारी है दुकान है, तुम्हारी दुकान है। मेरी यूट्यूब की दुकान है, आपकी जोक्स की दुकान है। हाँ जी पापा। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, मस्त एकदम, मस्त ही मस्त है। चल शाहरुख खान फिल्म चक दे। व्हाट्स योर फेवरेट शाहरुख खान गाना सॉन्ग? कल होना हो शाहरुख खान की पेयरिंग लगती है? जूही चावला। क्रिया मेहरबानी कर, डुप्लीकेट हो गई। उसके बाद वो क्या कहते हैं, तू यार तू ही दिलदार, तू ही दिल है हिंदुस्तानी, दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल। आई नो द हुक स्टेप एंड ऑल। अरे काजोल का भी तो है, काजोल के साथ भी तो उसकी पेयरिंग अच्छी है। काजोल तो वो तो हमने भी किया है, अगर आपने देखा नहीं हमारी प्री वेडिंग पे। I don't know, अगर देखा जाए ना, मतलब मैं as such किसी की fan, like, I don't know. आपको क्या लगता है कि मेरा फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो आफताब शिरदसानी है? ये क्या बात है? बट आई डू लाइक रुकी रुकी थी जिंदगी झट से चल पड़ी। एक बात कहूँ, मतलब हर एक इंसान अच्छी पागल हो गया था रहना है तेरे दिल में मूवी के बाद। मुझे माधवन आर माधवन इतना प्यारा लगता है यार, इतना क्यूट लगता है, लाइक फॉर मी लाइक वो जो इनोसेंस होता है ना फेस पे, हमारे नहीं है भाई, मुझे पसंद है। आपके फेस पे बहुत इनोसेंस है, बहुत।